है यार? यार कौन सा तेरा बैड, मेरा भी बैड ही है। क्या मचा के रखा है, फोन हटा अपना, उठ यार तू। क्या करके रखता है तू? और ये गंदा स्मेल कहाँ से आ रही है? सॉक्स धोया नहीं क्या तूने? अरे मम्मी देखो ना यार, परेशान कर रही है, सो रहा था अच्छा खासा मैं। अच्छा लड़ाई किसने स्टार्ट किया मम्मी पे पूछो, लड़ाई किसने स्टार्ट किया? मैंने थोड़ी की, तू आके मेरे को मार रही है। अच्छा, और अभी तकिया मार रही है मुझे। मम्मा देखो ना मेरे नया तकिया नीचे भी है। सो रहा था, चुप यार। तू जब भी आता है ना मेरा मेंटल पीस एकदम बिगाड़ के रखता है। तेरा मेंटल पीस इतना खराब है, जाके योगा करना, मेडिटेशन। तू मुझे वरुण क्या है, तुझे तभी क्यों गाड़ी चाहिए होती है जब मुझे चाहिए? तो मैं तेरे हिसाब से प्लान थोड़ी बनाऊंगा। ओ हेलो, तुझे गाड़ी चलानी भी आती है? एक मिनट, हाँ तुझसे अच्छी आती है मुझे। ये डेंस है ना, इसे देख के पता चलता है कि कितनी अच्छी आती है। पापा को मैं बोल दूंगी कि ये डेंस गाय की वजह से नहीं गधे की वजह से हुआ है। अच्छा है हिम्मत तो जा बोल पापा को। डोंट चैलेंज मी वरुण। हाँ ठीक है, जा पापा को बोल जा। बदतमीजी से बात मत कर, सॉरी बोल। सॉरी क्यों बोलूं मैं? सॉरी बोल वरुण। जा बता जा। पापा, अरे पापा, अरे पापा आपको पता है ये गाड़ी में जो डेंस है ना वरुण के वजह से आया है। अरे पापा आपको लगता है कि मैं ये सब करूंगा? हाँ मुझे लगता है। अरे पापा, पापा आपको पता है 10th में ना इसने घर पे विस्की पी थी। क्या? पापा आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में ना इसने आपके पॉकेट से आपकी सिगरेट चोरी करके पी थी। वरुण तूने सिगरेट पी, वो भी मेरी? नहीं पापा, पापा 12th में ये मनाली गई थी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। विदिता तेरा बॉयफ्रेंड है? तो तूने शादी के लिए हाँ क्यों की? एक मिनट, तेरी शादी हो रही है? हाँ नेक्स्ट ईयर रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का भी हो गया? पापा मम्मी मुझे कौन बताएगा? देख रहा हूँ जब से कॉलेज जा रहा हूँ घर पे कुछ भी होता है कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सुन सुन सुन, पहली बात तो चिल्ला मत, रिएक्शन देख रहा है अपना। मैंने सोचा कि तू आएगा तो मैं कॉन्वर्सेशन करूंगी, बताऊंगी ठीक से, बट नहीं, आते ही झगड़ा शुरू। तू मौका ही कहाँ देती है, जब भी घर पे आती सीधा मुझसे लड़ने लग जाती है। पर ना अच्छा हुआ तू जा रही है, कम से कम घर पे ना मैं चैन से रह पाऊंगा, सो पाऊंगा चैन से। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी मैं, तब पता चलेगा मेरी वैल्यू। और कर लेना अपना सारा काम खुद से। हाँ तो जाना, कोई जरूरत भी नहीं है तेरी। और सुन, तू ना मुझे मैटर भी नहीं करती है, ये ले, शादी में तेरी आऊंगा भी नहीं मैं, देख लेना। वरुण 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 मम्मा, पापा, सब लोग किधर गए? मम्मा, ऐसा क्यों होता है कि दो सिब्लिंग्स में से क्रिएटिविटी के जीन्स सिर्फ एक ही में आते हैं? अगर विदिता नहीं होती तो शायद ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। सिर्फ यही नहीं, लेट नाइट क्रेविंग्स और बैड कुकिंग स्किल्स, भगवान ने मुझे मॉम, थैंक्स मॉम, भगवान ने मुझे दो योग्यताओं से प्रदान किया है, एक रात को नूडल्स बनाना और दूसरा राखी के एक दिन पहले हलवा खत्म कर देना। अगर विदिता नहीं होती तो शायद बहुत दिन ऐसे ही भूखे पेट बिताने पड़ते हैं। बहन, आपकी सबसे पहली दोस्त भी वही होती है और आपका सबसे पहला दुश्मन भी वही, बट इट्स दी ओनली एनिमी यू कैन लिव विदाउट। इसी सोफे पे उसने मुझे अपने पहले क्रश के साथ चैट करना भी सिखाया था और इसी सोफे पे मेरा पहला ब्रेकअप के बाद मेरे आंसू भी पोंछे थे।
देर कर देता हूँ मैं, कोई वादा निभाना हो देर कर देता हूँ मैं, कोई बात कहनी हो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वैसे आप सही कह रही थी दीदी कि आपको किसी इंसान की वैल्यू तभी होती है जब आप उसको खो रहे हो, देर कर देता हूँ मैं। बट आई एम सॉरी बोलने में देर नहीं करूँगा। आई नो आई हैव बीन अ वेरी बैड ब्रदर, बट यू आर अ ग्रेट डॉटर एंड अ ग्रेट सिस्टर। कितना क्रिंज है रे तू। वैसे कल राखी है, मेरी आखिरी राखी होगी इस घर में, उसके बाद मैं नहीं आ रही। मुझे पता है शादी के बाद तुझे यही पड़े रहना है। ओ प्लीज जिंक्स मत कर, कम गिव मी अ हग ना। मम्मा पापा कम कम। ठीक लग रहा है ना पापा? अच्छा लग रहा है वरुण, लेकिन ग्रीन पहन लेता ना मस्त लगता। बट इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। अरे विदिता आ गई। गिफ्ट। अच्छा हाँ, गिफ्ट गिफ्ट। ये पकड़। सीरियस? ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू। वैसे मैंने बोला था ना तेरी आखिरी राखी एकदम यादगार बना दूंगा। हूं ना मैं बेस्ट भाई। चल चल ज्यादा ब्रैग मत कर। अरे वैसे लड़ाई झगड़े के चक्कर में कल रात के हलवा तो खत्म करना भूल ही गए। चले वैसे मैंने सुना है जीजू की बॉडी बड़ी अच्छी है। हाँ मतलब इवन वर्क्स आउट ऑन रेस्ट डेज। रेस्ट डेज? आप रे, एक ही घर में दो दो फिटनेस फ्रीक। लगता है ये घर में एक अर्नोल्ड शिवाजी नगर होने वाला है। क्या अर्नोल्ड शिवाजी नगर? शिवाजी नगर कौन बोलता है? स्वाज़नेकर। सॉसमेकर? भाई तंग मत कर, तू जानबूझ के कर रहा है ना। स्वाज़नेकर सॉसमेकर मतलब सॉस बनाएगा। देखो ऑफिस का प्यार के नए एपिसोड्स एवरी वीक ओनली ऑन ऑलराइट्स यूट्यूब चैनल।